तो भैया आज के वीडियो में हम लोग जाएंगे एक लॉन्ग ड्राइव पर। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? लॉन्ग लेट सफारी पार्क जा रहे हैं। वाट्सफोर्ड से हम लोग निकले हैं, पहुँचे हैं हम लोग साउथ हॉल। समोसे लेंगे और उसके बाद बढ़ेंगे सीधे साउथ हॉल, सॉरी लॉन्ग लेट सफारी पार्क। 2 घंटे का ड्राइव है, 85 माइल्स बता रहा है अपने इलाके से। ये हम लोग वाटफोर्ड में अभी इस वक्त, छोटा सा गली है, गांव की तरफ है हम लोग वाटफोर्ड के। और वो सामने जो गाड़ी जा रही है वो भी हमारे दोस्त की है, पड़ोसी। तो हम लोग मिलकर जा रहे हैं लॉन्गलेट सफारी पार्क। ये रास्ता थोड़ा अजीब सा दिखेगा आपको, लंदन में ऐसे रोड्स भी हैं और इससे बदतर रोड भी आपको यहाँ पे इंग्लैंड में मिलेंगे, क्योंकि ये सेंट्रल लंदन नहीं है, ये लंदन के बाहर है। वाटफोर्ड का गांव है ये, वाटफोर्ड विलेज। यहाँ से होते हुए हम लोग चलेंगे मोटरवे पे। मोटरवे हम लोग लेंगे M4, उसके बाद M25, A3, ऐसा बहुत सारा मोटरवे का नाम होता है यहाँ पे। तो अपने को कोई जल्दी नहीं है, हम लोग आराम से जाने वाले हैं। हो सके तो रास्ते में एक ब्रेक लेंगे, क्योंकि गाड़ी में बच्चे हैं, अगर रोने लग गए तो ब्रेक लेंगे, नहीं तो सीधे चलेंगे। तो आप लोग ये व्यू, ये नज़ारा, ये ब्यूटीफुल इंग्लैंड एंजॉय करो, मैं थोड़ा कम बोलता हूँ। ये राउंड अबाउट से हम लोग चलेंगे पहला एक्सिट, यहाँ पे नो स्टॉपिंग साइन है, इसका मतलब आप लोग गाड़ी यहाँ पे नहीं रोक सकते। इंग्लैंड में ऐसे बहुत सारे रोड्स हैं, वो साइन फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आप लोगों को यहाँ पे बहुत बड़ा फाइन लग सकता है। नो स्टॉपिंग पे नो स्टॉपिंग। एक घंटा हो गया ऑलरेडी, एक घंटा और ड्राइव करके जाएंगे हम लोग। अभी स्टोन हेंज के करीब हैं, तो हम लोग जा रहे हैं एक्सिटर, स्टोन हेंज, ये सब आजू बाजू में मिलेगा आपको, बात मिलेगा। अभी बहुत सारा वीडियो हम लोग और बनाने बाकी हैं। तो यहाँ का सिस्टम देखो, गाड़ी वगैरह कैसे जा रही है, एकदम सिस्टमेटिक लेन मेंटेन करते हुए, कोई भी हॉन्क नहीं कर रहा, कोई भी हॉर्न नहीं बजा रहा। नेशनल स्पीड लिमिट यानी कि 70 का स्पीड होता है ब्रिटेन में, और स्मार्ट मोटरवे पे ये स्पीड चेंज होता रहता है। अभी स्मार्ट मोटरवे क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। बड़ा खूबसूरत खूबसूरत गांव देखने को मिलेगा आपको रास्ते में, और ये रोड भी एकदम जबरदस्त।
ये राइट में देखो और लेफ्ट में देखो, दो बोर्ड नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं नेशनल स्पीड लिमिट। इसका मतलब यहाँ पे 70 का स्पीड होना चाहिए ना, पर यहाँ पे 70 का स्पीड नहीं होना चाहिए, ये सिंगल कैरेज वे है, तो यहाँ पे आपका स्पीड लिमिट होना चाहिए 60। आईफोन फुटेज ज़्यादा क्लियर है गोप्रो से। भाई ये है स्मार्ट मोटरवे, भाई आप लोग ये वीडियो दुनिया के किस देश से देख रहे हो, मैसेज में कमेंट लिखना, यानी कि कमेंट में मैसेज लिखना। ये गांव के तरफ पहुंच रहे हैं हम लोग, इंग्लिश कंट्री साइड। सभी साइंस आप लोगों को देखने को मिलेगा, रोड साइंस रोड के ऊपर होता है इधर इंग्लैंड में। यार एक छोटा ब्रेक लेना चाहिए, काफी थक गया हूं, पर अभी ज्यादा दूर नहीं है, लॉन्गलेट लेक पहुंचने के बाद ही ब्रेक लेते हैं। ये कोई गांव आ रहा है पास में, इंडियन रेस्टोरेंट जस्ट चला गया। इधर का सिस्टम देखो, ये गांव है और रास्ते के आजू बाजू बहुत ही एक या दो रेस्टोरेंट या तो फ्यूल पंप भी कहीं नजर नहीं आ रहा। चालीस का स्पीड आ गया अभी, और यहाँ पे डबल सॉलिड वाइट लाइन है, यानी कि यहाँ पे ओवरटेक नहीं कर सकते ए लाइन पे। मोटरवे
एक और गांव आ गया। रात के वक्त थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है ऐसे कंट्री साइड में, क्योंकि जो हिरन विरन होते हैं, फॉक्स हो गया, ये बहुत आते हैं बीच में। यहाँ से नेशनल स्पीड लिमिट लागू 70 वाला नहीं, 60 वाला। ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना होता है, लोगों को पता नहीं है नेशनल स्पीड यानी कि लोग दबाते हैं 70 की स्पीड पे और बाद में प्रॉब्लम हो जाता है। दो किस्म का होता है नेशनल स्पीड लिमिट, एक 60 का एक 70 का। ये 60 वाला है, 70 वाला जो बड़ा मोटर पे होता है ना वो। वेदर ठीक ठाक है, उतना भी खास नहीं, हवा बहुत चल रहा है, हवा थोड़ा तेज चल रहा है, थोड़ा ठंड लग रहा है, तो स्टिल मैनेजेबल है। राउंड अबाउट से हम लोग लेंगे दूसरा एक्सिट। इसका क्या हो गया, बीच में खड़ा है भाई, इधर रुकना मना है, नॉन स्टॉपिंग जोन है, नॉन स्टॉपिंग जोन। कुछ खराबी आ गई होगी,
ये स्टोनहेंज पहुंच गए हम लोग अभी, यहाँ पे किसी और दिन चलेंगे। अभी फ़िलहाल अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि काफ़ी टाइम हम लोगों को लॉन्ग लेट में बिताना है। स्टोनहेंज एक और नया गांव पहुंच गए हम लोग। क्या नाम है भाई ये जगह का? ये बाइकर्स काफी डीप टर्न है। ऑक्सफोर्ड स्टॉक शेरिंगटन लेफ्ट तरफ हम लोग जाएंगे सीधे। अपना टाइम स्लॉट है 2:30 बजे का, 2:30 से लेकर 4 बजे तक हम लोग सफारी पार्क में एंटर कर सकते हैं। मतलब सफारी स्टार्टिंग का टाइम होता है वो आपको बुक करना होता है, तो हमारा 2:30 बजे का टाइम है। तो ऐसे नहीं कि आप उसके पहले नहीं आ सकते, उसके पहले आना ज़रूरी है, कि काफ़ी लंबा चौड़ा लाइन होता है आप लोग देखोगे, क्योंकि हम लोग काफ़ी दूर से जा रहे हैं, इसके लिए हम लोग थोड़ा लेट बुक किया है टाइम। अगली बार मैं जब जाऊंगा तो अर्ली मॉर्निंग में करूंगा, क्योंकि आधा सफारी पार्क हमने मिस कर लिया क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गए थे। एक और गांव, हाँ 40 का स्पीड है। ज़्यादातर के कंट्री साइड में 40-50 होता है। लंदन में बेड़ा गर्क हो गया, एकदम 20-20 करके रखा हुआ है सब जगह पे। सीन्स बड़ा ब्यूटीफुल है यार यहाँ पे।
ये पहुंच गए हम लोग लॉन्ग लेट सफारी पार्क। यहाँ से एंट्रेंस है। इंग्लैंड का गांव है ये, काफी गांव से बाहर। हाँ, सब पूरा जंगल वाला फीलिंग आपको यहाँ पे मिलेगा। थोड़ा बहुत डर भी लगेगा क्योंकि पूरा सन्नाटा है। हाँ, ये देखो पूरा लकड़ी लकड़हार, क्या बोलते हैं इसको। सब फॉरेस्ट यहाँ से शुरू। हाँ, घूमने के लिए बहुत बढ़िया जगह है, पर यही चक्कर है कि अगर सवेरे आओ तो बेस्ट है, या तो एक दिन पहले आओ, होटल में रुको अगर दूर रहे तो। अगली बार मैं यही करने वाला हूँ, एक दिन पहले जाऊँगा, होटल में रहूँगा और दूसरे दिन पूरी तरह से सफारी हम लोग एंजॉय कर सकते हैं। अगर काफ़ी दूर से जा रहे हो, 2 घंटे 3 घंटे, तो बेस्ट है 10 बजे के पहले पहुँचो, दैट इज द बेस्ट, ताकि पूरी पूरा का पूरा सफर ही हम लोग पूरी तरह अच्छी तरह से देख सकते हैं। एंट्रेंस के करीब है हम लोग, ये अपने पड़ोसी, और ये रहा एंट्रेंस लॉन्ग लेट सफारी पार्क। तो बाकी का वीडियो हम लोग सेकेंड पार्ट में देखेंगे। ये ड्राइविंग तक का था और थोड़ा बहुत मैंने आपको सफारी का भी दिखाया हुआ है। लाइन काफी लंबा चौड़ा है। यहाँ से एंट्री शुरू। Okay. And you have booked a safari time slot, but what we're saying, we're also busy today, you can ignore that. Yeah. And you can go around any time until 4. Alright. It's just obviously if you try to go through now, you could be queuing just like this. It's a bit of a Right, day. Yeah, okay. Alright, as long as you're through the gate, it's 5 o'clock. Yeah, yeah, yeah. Well then, thank you. Day, have a good day. Thank you.
आप सबको नमस्ते, मैं विनोद नाइक। हम लोग आज पहुंचे हैं लॉन्ग लेट सफारी पार्क। तो भाई ये था हमारा आज का लॉन्ग ड्राइव। अब मिलते हैं अगले वीडियो में किसी खास स्टाइल के साथ। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।